बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूँ उस्मा और आप देख रही हैं उस्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं आपको रेसिपी बताऊंगी वो है कद्दू का रायता। एक बॉल दही का है। अगर आप देखें कि ये दही है ना थोड़ा सा थिक है, तो आपने क्या करना है कि एक टेबलस्पून दूध का ले लेना है, वो इसमें ऐड कर देना और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। ये एक मीडियम साइज़ का छोटा सा कद्दू है जो मैंने पहले इसे कद्दूकश किया है और फिर मैंने इसे थोड़े से पानी में इसे उबाल लिया था और फिर स्ट्रेन करके इसमें डालने लगी हूँ। ये एक टीस्पून जो है काली मिर्चों की है, एक टीस्पून जो है वो जीरे की है और हाफ टी स्पून नमक की है, ये इसमें जाएंगी। ये चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप इसको बनाइएगा ज़रूर, बहुत मज़े का लगता है। क्योंकि कद्दू जो था, कद्दू है जो है हमारे प्यारे नबी की बहुत फेवरेट ये सब्ज़ी थी, वो बड़े शौक़ से खाते थे, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं कद्दू। पता नहीं आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, लेकिन कद्दू बहुत मज़े का सब्ज़ी है, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। कद्दू दाल हो गई, ये रायता हो गया, ये बहुत मज़े का लगता है जी। ये मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके बताइएगा आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सारी नेमतें दी हैं। और ये जो रायता है बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ज़रूर भेजा करें। मैं आपको बार बार हर रेसिपी में बताती हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें हैं।